नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं रियाडो। अंडर 15,000 रुपीज में 2019 में शामिल है अभी नोट 7 प्रो और उसके बाद रियलमी 3 प्रो। नो डाउट दोनों डिवाइस काफी अच्छा है और दोनों डिवाइस आपको काफी अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है। यहां पर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले रियलमी 3 प्रो के बारे में, जो मैं लगभग एक महीने से इस्तेमाल कर रहा हूं। इसका मैंने अनबॉक्सिंग किया था आई थिंक ऑन 13 अप्रैल को, उसके बाद आज है आपका 22 मई, तो लगभग आपका हो गया है 30 दिन के आसपास। और साइड बाय साइड ये भी आपको बताऊंगा कौन सा डिवाइस आपके लिए अच्छा होगा, रियलमी 3 प्रो या फिर Xiaomi Redmi Note 7 Pro। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो देखते रहिए वीडियो, उसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो यार एकदम फ्री, उसके साथ साथ घंटी भी दबा दो जिससे मेरे चैनल का सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अवेलेबिलिटी लेके। नो डाउट Xiaomi Redmi Note 7 Pro के अवेलेबिलिटी के बारे में नहीं बात करते क्योंकि वो तो मिलना काफी मुश्किल है, लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द Realme 3 Pro, वो थोड़ा बहुत टाइम के लिए इजीली अवेलेबल हो गया था। अभी आपको लगभग फ्लैश सेल में मिल रहा है, लेकिन मोर ऑल लेस अगर आप फ्लैश सेल में पार्टिसिपेट करते हैं आपको मिल जाता है, तो अवेलेबिलिटी लेके उतना झंझट नहीं है Realme 3 Pro के बारे में। उसका प्राइसिंग वेरियंट आपको पता है 14,000 है, 4,64, 16,000 है आपका 6,64, और अगर आपको 6,128 लेना है आपको 17,000 रुपये देना पड़ेगा। जहां तक सेकेंड हैंड रिटेल मार्केट का सवाल है, आपको लगभग 11,500 रुपये मिल जाएगा अगर आपके पास सेकेंड हैंड Realme 3 Pro है। अगर आप बॉक्स पैक सेल करते हैं तब आपको मिल जाएगा अप्रॉक्सिमेटली 12,500 रुपये के आसपास एज पर डीलर प्राइसेस कंसर्न, जितना मैंने पता किया है। इस डिवाइस में आपको दिया गया 6.3 इंच का एक डिस्प्ले, विच इज ए फुल HD प्लस डिस्प्ले विद 19:5:9 का एस्पेक्ट रेशियो। उसके साथ साथ आपको दिया गया कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। नो डाउट डिस्प्ले क्वालिटी इसका बहुत अच्छा है विदाउट हैविंग एन इशू। आप गेम खेलो, आप कंटेंट देखो या फिर आप वीडियो देखो, कोई भी चीज करो, डिस्प्ले आपको काफी अच्छा एक सेटिस्फेक्शन परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। उसके साथ साथ ऊपर आपका एक छोटा सा नॉच भी है, तो ज्यादा दिक्कत तो है नहीं, तो डिस्प्ले का ज्यादा पोर्शन आपका वो नहीं ब्लॉक करता है, छोटा सा आपका एक ड्यू ड्रॉप नॉच है। अगर इसको डायरेक्टली Realme 3 से कंपेयर किया जाता है तो यहां पर आपको थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले दिया गया है इन कंपेयर टू Realme 3। हालांकि दोनों डिवाइस का फॉर्म फैक्टर लगभग सेम है, लेकिन नीचे का ब्रेसल थोड़ा सा कम है ऑन Realme 3 Pro इन कंपेयर टू Realme 3। और अगर देखा जाए लुक एंड फील सामने से, Xiaomi Redmi Note 7 Pro उतना अपीलिंग नहीं लगता है क्योंकि मुझे लगता है नीचे का ब्रेसल थोड़ा सा ज्यादा है, बट ओवरऑल नो डाउट वो डिवाइस भी काफी अच्छा है। अगर बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में, नो डाउट Xiaomi Redmi Note 7 Pro का बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है एक्चुअली। हालांकि ये वीडियो तो है आपका Realme 3 Pro के बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत आपको जानकारी दे दे रहा हूं। लेकिन अगर आप बिल्ड क्वालिटी देखते हैं Realme 3 Pro का, मुझे लगता है Realme 3 Pro का बिल्ड क्वालिटी नो डाउट लुक एंड लुक वाइज काफी अच्छा लगता है, फील वाइज वैसे ही हुई प्लास्टिक वाला फील मुझे लगता है। तो अगर ग्लास डिजाइन वो देता है तो काफी अच्छा होता है, स्पेशली अगर Xiaomi Redmi Note 7 Pro का डिजाइन देखा जाए वो काफी प्रीमियम लगता है, पकड़ने से भी काफी प्रीमियम लगता है, लेकिन ये वाला डिवाइस उतना ज्यादा प्रीमियम नहीं लगता। लेकिन अगर आप इस टाइप का कवर लगा लेते हैं, मतलब जो आपका गैजेट स्किन के तरफ से भेजा गया बैक स्किन है, तब डिवाइस को आप अपने अपने तरीके से चेंज कर सकते हैं, और नो डाउट ये वाला प्रोडक्ट काफी वैल्यू फॉर मनी है। तो इसके रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो पोस्ट किया, यू कैन चेक दैट आउट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, और मैंने एक लिंक भी डाल दिया, यू कैन चेक दैट आउट ऑल्सो। जहां तक प्रोसेसर का सवाल, इस डिवाइस में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 710 का प्रोसेसर विच इज क्लॉक्ड एट 2.2 GHz। उसके साथ साथ आपको मिलता है Adreno 616 का GPU। नो डाउट ऑन पेपर अगर देखा जाए ये 675, मतलब Xiaomi Redmi Note 7 Pro का जो 675 है स्नैपड्रैगन का, उससे हर एक क्षेत्र में ज्यादा है, खाली अगर क्रायो पकड़ा जाए उसको छोड़ के, वहां पर आपको 612 का GPU मिलता है, यहां पर आपको 616 का GPU मिलता है। ओवरऑल दोनों डिवाइस का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। अगर Realme 3 Pro के बारे में बोला जाए, नो डाउट डे टू डे परफॉर्मेंस बहुत फास्ट है, बहुत स्नैपी है, बहुत ही ज्यादा स्नैपी है, और यू कैन प्ले PUBG ऑन अ फुल ग्राफिक्स। जहां पर Fortnite का सवाल है, ठीक ठाक चल जाता है दोनों डिवाइसेस में इनफैक्ट, लेकिन थोड़ा टाइम चलने के बाद थोड़ा बहुत लैग करता है। ऑल्दो आई एम नॉट बिग फैन ऑफ Fortnite, बट PUBG आप इसमें आराम से आग बंद करके हाई ग्राफिक्स में खेल सकते हैं विदाउट हैविंग एनी इशू। तो ओवरऑल प्रोसेसर परफॉर्मेंस सीम्स टू बी प्रीटी गुड, और अंडर 15,000 रुपीज में आपको 710 या फिर 675 के जैसा प्रोसेसर मिल रहा है, विच इज सिंपली आउटस्टैंडिंग, नो डाउट अबाउट दैट, एंड आई हैव नो कंप्लेंट्स विद द प्रोसेसर। अगर कैमरा के बारे में देखा जाए, दोनों का कैमरा काफी डिफरेंस है, लेकिन चलिए बात करते हैं Realme 3 Pro के बारे में। यहाँ पर आपको दिया गया एक 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, विच इज अ सोनी IMX519 सेंसर, जो काफी एक अच्छा सेंसर है जो OnePlus 6T में दिखाई दिया था, और उसके साथ आपको एक 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी डेप्थ सेंसर कैमरा दिया गया है। नो डाउट इसका कैमरा भी काफी अच्छा है, लो लाइट परफॉर्मेंस काफी अच्छा है बिकॉज ऑफ द एपर्चर विच इज 1.7 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ऊपर से अगर देखा जाए, यहाँ पर आपका पोर्ट्रेट मोड, 4K रिकॉर्डिंग, 60 FPS सभी कुछ यहाँ पर आपको दिया गया, जो मुझे लगता है काफी अच्छा है। तो ओवरऑल इसका कैमरा परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। खाली यही नहीं, यहाँ पर आपको मिलता है एक अल्ट्रा HD
मोड एक्चुअली जिसमें आप कैप्चर कर सकते हैं 64 मेगापिक्सल फोटोज ऑल्सो. अगर दूसरे साइड में Realme नहीं Xiaomi Redmi Note 7 Pro देखा जाए वहां पर आपको Sony IMX 586 सेंसर देखने को मिलता है. अभी आप पकड़ लो लेटेस्ट जितने भी लॉन्च है Huawei का P20 पकड़ लो जो लॉन्च हुआ था जिसमें आपका IMX 586 सेंसर है, Asus Zenfone 6 में 586 सेंसर है, OnePlus 7 में 586 सेंसर है. वही सेंसर आपको 15,000 लेटेस्ट लेस देन 15,000 रुपीज में मिल रहा है तो विच इज सिंपली आउटस्टैंडिंग. तो कोई जवाब नहीं. ये कैमरा भी बहुत अच्छा है लेकिन कैमरा यूआई में थोड़ा बहुत दिक्कत है, उसको अपडेट करने का जरूरत है. अगर कॉन्स के बारे में बोला जाए Realme 3 Pro में जो कैमरा उसका जो स्टेबिलाइजेशन है मुझे उतना अच्छा नहीं लगा. 30 FPS में आपको ठीक ठाक स्टेबिलाइजेशन मिल जाता है बट इफ यू टॉक अबाउट 60 FPS फुल HD वीडियो उसमें स्टेबिलाइजेशन उतना अच्छा नहीं आता है या 4K में तो नहीं है. तो मुझे लगता है 60 FPS का वीडियो काफी एक अच्छा एड ऑन है लेकिन वहां पर एक स्टेबिलाइजेशन देना काफी जरूरी था. एटलीस्ट वो लोग EIS थोड़ा अच्छा करके दे सकते थे. ऑल्दो इट कैन बी अपडेट वाया सॉफ्टवेयर बट अभी देखना पड़ेगा Realme इसको कितना ठीक करता है. लास्ट बट नॉट लीस्ट कैमरा के बारे में जब बात कर रहे हैं तो ये तो करना बनता है, वो है आपका 960 FPS का वीडियो. 960 FPS नो डाउट काफी एक अच्छा एड ऑन है बट Realme वो 960 FPS या 240 FPS है उस पर तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. हालांकि इसके रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा बहुत सारे स्लो मोशन सैंपल्स एंड यू कैन डाउनलोड ऑल्सो. फॉर दैट यू कैन चेक योर सेल्फ हाउ इज द स्लो मोशन वीडियो एज कंसर्न. जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन का सवाल है 10 सेकंड का आपको एक विंडो मिलता है, पहला 2 सेकंड फास्ट है, लास्ट 2 सेकंड फास्ट है, बीच का जो 6 सेकंड होता है वो आपका स्लो हो जाता है. टोटल 10 सेकंड का आपको एक ऑप्शन मिलता है उसके अंदर आपको स्लो मोशन उठाना पड़ता है. तो काफी ज्यादा रीटेक करने के बाद हो सकता है आपको एक अच्छा टेक मिले, अगर अच्छा है तो फर्स्ट टेक में भी अच्छा टेक मिल सकता है. और जहां तक लो लाइट का है नो डाउट इसको उठाने के लिए आपको बहुत अच्छा खासा लाइटिंग का जरूरत पड़ेगा तभी आपको अच्छा खासा वीडियो मिलेगा इन टर्म्स ऑफ स्लो मोशन एज कंसर्न. ऑल्दो अंडर 15,000 रुपीज ये काफी अच्छा एड ऑन है. अभी बात करते हैं बैटरी के बारे में. यहाँ पर आपको लगभग 4000 mAh का बैटरी दिया गया है अभी दोनों डिवाइस में. एक्चुअली Xiaomi Redmi Note 7 Pro में आपको 4000 mAh का बैटरी दिया गया है लेकिन मुझे लगता है Xiaomi Redmi Note 7 Pro का 4000 mAh का बैटरी परफॉर्मेंस काफी अच्छा है लेकिन चार्जिंग टाइम काफी ज्यादा है. यहाँ पर दूसरे साइड में अगर देखा जाए Realme 3 Pro नो डाउट सारा दिन आपका आराम से चल जाएगा लेकिन दिस डिवाइस इज नॉट फॉर 2 डेज, एक दिन के लिए ये सफिशियंट है. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर चार्जिंग काफी फास्ट होता है, आधा घंटा चार्ज देंगे आपको लगभग 50-60% चार्ज मिल जाएगा तो ये काफी अच्छा है. एक घंटा चार्ज देंगे 85-90% तक आपको चार्ज मिल जाएगा. सो नो डाउट वो फास्ट चार्जिंग इज सिंपली आउटस्टैंडिंग, आई एम रियली हैप्पी विद दैट. और लेकिन मुझे लगता है बैटरी बैकअप थोड़ा अच्छा होना चाहिए. अभी अगर बात करते हैं हीटिंग के बारे में, जी हाँ यार हीटिंग तो थोड़ा बहुत होता है. अभी क्या है ना हीटिंग आपको डिपेंड करता है आप कौन सा चीज ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन से इन्वायरमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं. नो डाउट कैमरा अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हीटिंग बहुत ज्यादा होता है, कैमरा छोड़ के बाकी दूसरी चीज में उतना ज्यादा हीटिंग नहीं मिलता है. अभी मैं फिर से बता रहा हूँ इन्वायरमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप AC में है या फिर घर के अंदर है तो उतना ज्यादा गर्मी आपको फील नहीं होगा, हालांकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है स्पेशली कोलकाता में. लेकिन अगर आप एकदम बाहर धूप में बैठ के गेम खेल रहे हैं या फिर कैमरा बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ा बहुत हीट होगा. लेकिन मैंने मैक्सिमम हीट नोटिस किया था 45-46 डिग्री, उससे ज्यादा नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा बहुत हीटिंग तो है. लेकिन इतना मैं बता सकता हूं अगर Realme 2 Pro देखा जाए उससे Realme 3 Pro का बैटरी परफॉर्मेंस थोड़ा सा सुधरा है लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है. वहां पर 500 mAh बैटरी कम था, यहां पर 500 mAh बैटरी ज्यादा है. लेकिन मुझे लगता है इसका बैटरी परफॉर्मेंस और हीटिंग इशू सॉल्व हो सकता है अगर Realme अच्छे से इसको सॉफ्टवेयर अपडेट करता है तो. चलिए थोड़ा बहुत कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं. अंडर 50,000 रुपीज में नो डाउट दोनों डिवाइस है अच्छा. अगर Realme 3 Pro बोला जाए इसमें एक एड ऑन एडवांटेज ये है यहाँ पर आपको डुअल सिम और डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट मिलता है जो नो डाउट काफी अच्छी बात है जो समहाउ लैक करता है ऑन Xiaomi Redmi Note 7 Pro. ऑल्दो ये आपका आपका खुद का प्रेफरेंस है आप कौन सा डिवाइस चाहते हैं लेकिन मेरे तरफ से नो डाउट इट्स अ बिग थम्स अप फॉर Realme 3 Pro. लेकिन अगर आप अभी तक Realme 3 Pro नहीं खरीदे हैं तो थोड़ा वेट कर जाओ, Realme X आ रहा है. और अगर Realme एक 16-17,000 रुपए के आसपास, हालांकि 18,000 रुपए हो सकता है जो भी है, अगर उस प्राइस में लॉन्च होता है थोड़ा बहुत वेट कर जाओ, हो सकता है सेम ही चीज आपको मिले लेकिन थोड़ा आपको बड़ा डिस्प्ले मिलेगा, एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा और पॉपअप सेल्फी मिलेगा. तो ऐसे बहुत सारा कुछ मिलने वाला है, थोड़ा कुछ दिन वेट कर जाओ. अगर हड़बड़ी करने का जरूरत नहीं है, अगर आपको अभी खरीदना है तो आप खरीद सकते हो Realme 3 Pro. लेकिन अगर आपके पास टाइम है, स्पेयर हैंडसेट है, इस्तेमाल करो, थोड़ा वेट कर जाओ. यू कैन वेट फॉर Realme X, इवन वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर Realme X, देखते हैं वो कैसा डिवाइस निकल के आता है. तो गाइज ये था मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन अबाउट Realme 3 Pro. आप बताओ आप चाहे वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते. उसके साथ यू कैन फॉलो मी ट्विटर, फेसबुक एंड श्योरली ऑन इंस्टाग्राम विच इज इंस्टाग्राम सर डैडो 15. तो इस वीडियो में अभी तक लिखना है, इट्स योर होस्ट मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम डैडो. होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.